हजरत निजामुद्दीन इलाके में शुक्रवार तड़के रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब नशे में धुत एक कार चालक ने फुटपाथ पर सो रहे चार लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 23 वर्षीय आरिफ नाम के एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया। दिन इलाके में फुटपाथ पर कई लोग सो रहे थे, जिनको अभिषेक ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। ये गाड़ी फुटपाथ पर बाकायदा चढ़ गई और आप देख सकते हैं जो टायर वगैरह है ये पूरी तरीके से फट चुके हैं, यानी कि जो गाड़ी की रफ्तार है वो काफी ज्यादा तेज थी। 4 लोग इस हादसे में जख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें आरिफ नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह जख्मी है, जिनका एम्स में अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक दत्त को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक काफी ज्यादा शराब अभिषेक ने पी रखी थी। हादसे के बाद आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में साउथ एशिया जोन के कंट्री मैनेजर के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि हादसे वाली रात आरोपी कार चालक अभिषेक एक पार्टी से लौट रहा था, तभी कार के दाहिने ओर का टायर फट गया, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर पर सो रहे 4 लोगों के ऊपर चढ़ गई। उधर इस हादसे के बाद परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। उधर से आए थे गाड़ी और ये एक्सीडेंट, 4 जन सोए हुए थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। कहाँ रोड पे सोए हुए थे? ये पटरी के ऊपर सो रहे थे। तो उसमें से किसकी मौत हो गई? उसमें से मेरे आदमी की मौत है, 4 बच्चे, एक 5 साल की लड़की है, एक 4 साल की, एक 3 साल। जांच में पता चला है कि आरोपी कार चालक नशे में टुन्न था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।